support Sindhi content. Visit our new website now and enjoy all your favorite videos at one place. SindhTV.tv. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांजी सुपर कुकिंग शो में सब खैरियत सां हूंदा। जेके तव्हांजी रेसिपीज़ ठाहींदा आहिनि तमामु मज़ेदार, तव्हांजी फरमाइशुनि जे मुताबिक। रमज़ान अची रहियो आहे, रमज़ान जी तयारी कयूं पिया इनशाला। नए हिकु वीक रहिजी वियो आहे विच में, जंहिंमें काफ़ी सारी शयूं मां हाणे तव्हांखे सेखारे छॾियूं आहिनि, जेको तव्हांखे प्रिपेयर करे तयारी करे रखणी आहे। जीअं लास्ट असां ठाहियो हो टोमेटो केचअप ठाहियो, चिली गार्लिक सॉस ठाहियो, हुन सां गॾु ॿ चटणियूं ठाहिणु सेखारियूं। ऐं अॼु मां छा ठाहिणु सेखारियां पियो, अॼु तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो फ्रोज़न पराठा। पराठा फ्रीज़ कीअं कबा आहिनि, कचा पका ठाहे ऐं कुझु डो ठाहे रखंदा आहिनि फ्रीज़ करे, इहो सॼो तरीक़ेकार ॿुधाईंदमि। चाट मसालो ख़ासि करे स्पेशल असां जेको यूज़ कंदा आहियूं डेली रोज़ में, असांजे दस्तखान ते यूज़ थींदो आहे चाट मसालो। हुन सां गॾु दही बड़ो मसालो, जेको दही बड़नि में, दही फुल्किनि में, ऐं उहो दही बड़ो मसालो ॿी शयुनि में बि तव्हां यूज़ करे सघो था, उहो बि ॿुधाईंदमि। ॿई रेसिपीज़ तमामु मज़ेदार आहिनि। चाट मसालो हथ जो ठहियलु मार्केट खां बिल्कुलु डिफरेंट हूंदो आहे, तमामु चटपटो ऐं साफ़ु सुथिरो ठहियलु हूंदो आहे। फ्रोज़न पराठा बिल्कुलु ईज़ी, काफ़ी हदनि जा मैसेजिस अचनि पिया फ्रोज़न पराठा ठाहिणु सेखारियो, त अॼु मां इहे ठाहियां पियो। टई रेसिपीज़ नोट कजो, सुभाणे रिपीट जी टाइमिंग मां तव्हांखे ॿुधाए छॾंदमि घणे बजे हलंदी। बाक़ी कुकिंग विद शेफ सां मुंहिंजो पेज आहे, उते रेसिपी अपलोड थींदी आहे। जेका रेसिपी असां ठाहींदा आहियूं शारजा कुकिंग ऑयल, शारजा बनस्पति घी सां गॾु, वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर आहे, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल आहे, ओमेगा 3 मौजूदु आहे। बनस्पति घी जीअं पराठनि जी ॻाल्हि कजे त बनस्पति घी जो असां इस्तेमालु वधीक कंदा आहियूं। अॼु बि जेका मां पराठा ठाहियां पियो फ्रोज़न, हुन में बि शारजा बनस्पति घी इस्तेमालु कंदासीं। हुन सां गॾु टैंग आहे, टैंग जी ज़रूरत गर्मी में तमामु वधीक हूंदी आहे। गर्मी में असांजो दिलि कंदो आहे कि थधो शरबत हुजे, थधी का ड्रिंक पियूं, त टैंग जी तमामु बहितरीन रेंज आहे। 5 फ्लेवर में दस्तियाबु आहे, जंहिंमें पाइन एपिल आहे, मौसम्बी आहे, एप्पल आहे, लेमन ऐं पेपर यानी कारे मिर्चनि सां गॾु लेमन जूस, लेमन फ्लेवर आहे, ऑरेंज आहे। टैंग जी काफ़ी सारी वैरायटी आहे जेको तव्हां वठी रखो, ऐं रोज़ तव्हांजो फ्लेवर चेंज करे सघो था। रमज़ान में गर्मी आहे त गर्मी में बि तव्हां जग ठाही ॿारनि जे लाइ, पंहिंजी फैमिली लाइ फ्रिज में ठाही रखो, मानी सां गॾु रखो। मज़ेदार इहे ड्रिंक्स हाणे तव्हांखे ठाहिण बि सेखारींदमि। हिकु गिलास में 2 खाइण जा चमचा विझिजो, ऐं हिकु अगरि जग ठाहियो पिया फैमिली लाइ त हुनमें 11 टेबल स्पून 11 खाइण जा चमचा डिज़ोल्व कजो। खंडु न विझणी हूंदी आहे, छाकाणि त हिन जो पंहिंजो ई फ्लेवर हूंदो आहे, त खंडु न विझिजो, पंहिंजे फ्लेवर सां हिनखे ठाहिजो, ठीकु आहे। ऐं किचन में बि हलंदासीं, रेसिपी बि स्टार्ट कंदासीं। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, वाइटामिन ए यू डी से भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति घी बहुत ही ज़बरदस्त। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं जिसमें बनस्पति घी का इस्तेमाल होता है, खासकर पराठों में। और आज मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको फ्रोज़न पराठे। फ्रोज़न पराठे दो तरीके के बनाएंगे, एक तो डो बना के, पेड़े बना के फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगा, और दो तरह के पराठे बना के उसको फ्रीज़ करने का तरीका पूरा बताऊंगा, और किस तरह उसकी डो बनाई जाती है, क्या प्रॉपर उसका वे होता है, वो सारा बताऊंगा। उसके साथ स्पेशल जो चीज़ होती है रमज़ान में, चाट मसाला और दही बड़ा मसाला, होममेड बहुत ही मज़ेदार बनता है, वो बनाना सिखा रहा हूँ। चाट मसाला और दही बड़ा मसाला, तीनों रेसिपीज़ नोट कीजिएगा। रिपीट की टाइमिंग है कल की, वो भी बता दूंगा क्या टाइम होगा। और मेरा पेज है कुकिंग विद शेफ फैसल फेसबुक पे, वहाँ पे रेसिपी अपलोड हो जाती है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, लाइट चली जाती है, कोई मसला हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकती हैं। टैंग हमारे साथ है, टैंग की बड़ी वसी रेंज है, 5 फ्लेवर्स में दस्तियाब है। अब नए फ्लेवर आ गए जिसमें मौसम्बी और लेमन पेपर, बहुत ही मज़ेदार, मैं यहाँ पे बना भी रहा हूँ, मैंने ट्राई भी किया, बहुत ही मज़ेदार है। एप्पल है, मौसम्बी है, पाइन एप्पल है, लेमन एंड पेपर है, ऑरेंज है, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक्स है। रमज़ान में अपने दस्तखान की जीनत बनाएं और अपनी फैमिली को भी ये पिलाएं डेली बनाएं। और रमज़ान की जो रेसिपी स्पेशल वीक में कर रहा हूँ, जिसमें केचप बनाना सिखाया था कल, टोमेटो केचप बनाया था, चिली गार्लिक सॉस बनाया था, एक वो समोसों की जो चटनी होती है ट्रांसपेरेंट वो बनाई थी, और उसके अलावा मैंने आपको बनाना सिखाया था हरी चटनी जो बहुत ही मज़ेदार। और भी चटनियाँ कल इंशाल्लाह बनाएंगे, ताकि ये वीक में खानों से हटके थोड़ा प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो ये सारी प्रिपरेशन करा रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग सारी चीज़ें सीख सकें, रमज़ान से पहले अपनी तैयारी करें। और सब रोल की पट्टियाँ बनाना परसों मैंने थर्सडे को सिखाई थी, रोल और समोसों की पट्टियाँ, डो कैसे बनती है, वो पेज पे अपलोड हो गई है, वीडियो भी आ गई है कुकिंग विद शेफ फैसल पे, मेरी वो रेसिपी अपलोड है। और वीडियो देखने है अपने यूट्यूब पे अगर आपने जी हाँ YouTube पे आपने वीडियो देखनी है, और उसके अलावा आप ये जो भी रेसिपी है मेरे पेज पे अपलोड हो जाती है। कोई चीज़ उसमें समझ नहीं आ रही डो में तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। रोटी हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं चाट मसाला। चाट मसालो ठाहींदासीं, चाट मसाले लाइ छा छा शयूं खपनि वो डिटेल में ॿुधाईंदो वेंदमि। हुनखे रोस्ट करणियूं आहिनि जेके शयूं, उहो फ्राइंग पैन में विझूं था, ऐं नोट कंदा वञो का बि शइ मिस थिए थी, मां बार बार हिन करे रिपीट कराईंदुमि, ताकी का बि शइ तव्हांखां मिस न थिए, ठीकु आहे।
बार बार रिपीट कराने का मकसद ये होता है कि आप लोग से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और अभी हम स्टार्ट करेंगे चाट मसाले की रेसिपी, इसके बाद बनाएंगे दही बड़ा। ठीक है, बना के जार में भर के रख दें, 15 दिन चलता है, 20 दिन चलता है, या एक हफ्ते में आप ख़त्म करते हैं, फिर उसको उसी प्रोसेस में उसी मेजरमेंट में आपने दोबारा बनाना है जैसे ख़त्म हो जाए। ये नहीं कीजिएगा थोड़ी एडिशन करके उसको बढ़ा दें, वो ख़राब हो जाएगा टेस्ट उसका। जिस तरह मैं बना रहा हूँ उसी तरह बनाना, ठीक है। जे तरीके से ठाए पे जितना डी हले, 15 डी हलायो, महीनों हलायो, ताजे मथा डिपेंड करे तो जडे वापस ठाणो है। हर शे उन्नी तरीके से विझजो, को घट वध ना कजो, न तो उनजो मजो ना इंदो। तहांखे सभिनी खां पहिरीं छा कंदासीं, हिते फ्राइंग पैन या तओ गरम करे फूदने जा पत्ता खणजो, 10 खां 12 अदद वॾा आहिनि त हिनखे मां तोड़े छॾियो हथ सां, ठीकु आहे। 12 खां 15 पत्ता फूदने जा खणी हिनखे रोस्ट कंदासीं, ठीकु है। पुदीने के पत्ते रोस्ट करें, बहुत मज़े का डिफरेंट किस्म का चाट मसाला बनाना। और लास्ट ईयर जो मैंने बनाया था वो भी पेज पे मौजूद है, वो भी बहुत इजी और मज़ेदार है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। थोड़ी रेसिपी मैंने चेंज की है चाट मसाले की, बनाया है घर में भी, बहुत मज़े का ये बनाया है, और मेरे पास घर में भी पड़ा हुआ है, तो आप लोगों के साथ ये रेसिपी इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को। इसमें पुदीना है, मिंट है, हाजमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि चाट मसाला और हम दही फुलकियाँ, दही बड़े, ये चीज़ें बना के उसमें चाट मसाला डालते हैं, तो इससे क्या होगा, मिंट से हाजमा भी होता है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें, अजवाइन भी डाल रहा हूँ, अजवाइन से भी हाजमा अच्छा होता है और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है अजवाइन, तो ये चीज़ें मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पुदीनो माइंड करें यूज़ किया पे, उनमें हाजमेला बेहतरीन होंदो आहे, मिंट आहे, ठीक आहे। ऐं जीअं असां हैवी शयूं खाईंदा आहियूं त उनमें चाट मसालो विझंदो त ही तव्हांजे लाइ तमामु बहितरीन हूंदो। इनखे चङी तरह रोस्ट कंदासीं, रोस्ट कंदो जो कलर डार्क थी वेंदो, पाणी जो खुश्क थी वेंदो सफ़ा, ईअं लॻंदो तव्हां हिनखे उस समय सुकायो। अगरि खुश्क फूदनो घर में पियो आहे, सुकाए रखंदा आहियो तव्हां, या पंसारी जी शॉप खां वठंदो, लेकिन हुन में मिटी हूंदी आहे, हुनखे धोइणो पवंदो, त हिनखे बहितर आहे पाण हिनखे वॉश करे तव्हां रोस्ट करे वठो, ठीकु है। ख़ुदि रोस्ट कर लें अपना फ्रेश लेके, ॿाहिरि से जो हम लेते हैं मिंट होता है वो उसमें रेत सी होती है थोरी, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे निकाल दिया, इस तरह का इसका कलर आ गया, ठीक है। इसको ठंडा करेंगे, अब चूल्हा हल्का करते, इनमें विझंदा सी लौंगी मिर्च, लौंगी मिर्च घणा विंदा, ये आइन अध कप तक में 25 का 30 धाणा, 25 से 30 दाने साबित लाल मिर्च है, ठीक है। 3 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 खाने के चम्मच साबित धनिया भर के डालें, ठीक है। 3 खाने जा चम्मच साबित धाणा, 3 खाने जा चम्मच अछो ज़ीरो, सौंफ 1 खाने जो चम्मच, सौंफ 1 टेबल स्पून भर के डाला है, काली मिर्च साबित है 1 चाय का चम्मच, ठीक है, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अनारदाना 2 से 3 खाने के चम्मच, अनारदाने को वॉश करके ड्राई करके यूज़ करें, ठीक है। इसको रोस्ट करेंगे, 3 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 खाने के चम्मच भर के डालेंगे साबित धनिया, 25 से 30 अदद साबित लाल मिर्च, अनारदाना 2 से 3 खाने के चम्मच भर के डालेंगे, काली मिर्च साबित 1 चाय का चम्मच, तकरीबन 25 दाने होने चाहिए, ठीक है। 5वीं धाणा साबित कारा मिर्च, 5वीं का 30 धाणा लौंगी मिर्च, 2 खाने जा चम्मच अनारदानो जो डाड़ू जो बीज होंद, ठीक है, 3 खाने जा चम्मच अछो ज़ीरो, 3 खाने जा चम्मच साबित धाणा इनके अंदर विधा है, सौंफ 1 खाने जो चम्मच, इन सभी शयन के रोस्ट कंदासी, ठीक है। सौंफ 1 खाने का चम्मच है इसमें, इन सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे, रोस्ट करके फिर ये बाकी इसमें क्या क्या जाएगा वो फिर बताता हूँ। इसमें टाटरी जाएगी 1.5 चाय का चम्मच, लेमन सॉल्ट जो होता है, ठीक है, टाटरी 1.5 चाय का चम्मच जिससे खट्टापन आता है इसमें। उसके अलावा हम डालेंगे काला नमक 1 खाने का चम्मच, सादा नमक जो प्लेन सॉल्ट होता है वो 1 चाय का चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे, और उसके अलावा इसमें अजवाइन जाएगी 1 चाय का चम्मच, अजवाइन को अभी नहीं डाल रहा हूँ ज़्यादा, वो फिर कड़वी हो जाती है, ठीक है। इनके रोस्ट कंदा से अच्छी तरह इसको रोस्ट करें ताकि इसकी खुशबू निकल आए, क्योंकि रोस्ट किया हुआ जो मसाला होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, फिर उसको हम जब ग्राइंडर में डाल के पीसते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है, ठीक है। जैसे ही रोस्ट थे पियो मशीन लगाई तो छा इनके असं ग्राइंडर में हलाईंदासीं, इहो मसालो तमामु बहितरीन तव्हांजे लाइ थी वेंदो, गड़गड़ इनके हिलाईंदा रहो ताकि सड़े ना, लेकिन जेसि ताईं जी खुशबू सुठी ना निकिरी अचे तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो। लौंगी मिर्च बि हिनमें रोस्ट थियणु खपनि, ठीकु आहे, कचा ना हुजनि। अच्छी तरह इसको रोस्ट कर रहा हूँ। पुदीना जो मैंने इसमें यहाँ पे निकाल के रखा था, अब इसमें पुदीना वापस डाल रहा हूँ, ठीक आहे। पुदीने जा पत्ता 10 खां 12 या 15 अदद जेके रोस्ट कया हुआ ये वापसि विझी छॾंदमि, पहिरीं मां कढी छॾिया ताकी उहो सड़ी ना वञे,
वापस इनमें ऐड कर हाँ इनमें विझासी अजवाइन ठीक है अजवाइन वी एक चाय जो चमचो भरे विझो अजवाइन एक चाय का चम्मच लास्ट में भर के डालूंगा ठीक है बाकी जो पीसी हुई चीज़ें वो लास्ट में मिलाएंगे हम इसको ग्राइंड करने के बाद अच्छी तरह इसको रोस्ट करें अभी इसमें कसर है ठीक है इसके बाद दही बड़ा मसाला बनेगा वो चीज़ें तो इससे मिलती जुलती हैं लेकिन उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है ठीक है थे वारी बुधाएं पे जो दिन हाने टीवी खोली हुई पंजवी का टी अदद लौंगी मिर्च एक चाय जो चमचो कारा मिर्च एक खाण जो चमचो सौंफ ठीक है उनसा गड डाड़ू जो बीज जो अनारदान हों वो खाण जहा चमचा अछो जीरो टे खाण जहा चमचा साबित धाना टे खाण जहा चमचा ठीक है ये सब रोस्ट कंदासी इनमें पुदीने जहा पत्ता 12-15 दाना खणजो उनके तए के मथा सेके छो कलर चेंज थी वे वो भी इनमें मिले छो ठीक है उनका मैं इनमें अजवाइन विधी है अजवाइन एक चाय जो चमची थोड़ी देर का विझो पैर न विझो कोड़ी थी वी अगर उनके रोस्ट कदा कॉल वो था अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक रुसाना जैदी बात कर रही हैं जी जी बिल्कुल कैसी हैं आप और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और जैसे अपने लास्ट में वो बनाए थे सारे कर्म मतलब आज तो आप चाट मसाला और दूसरी चीजें बना रहे कल आपने केचप और दूसरी चटनियां बनाई थी जी जी तो चटनी जैसे केचप है उसमें हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं कि इमली भी डाल देते हैं अच्छा तो इमली का पलम डालते हैं तो उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है खटास आ जाती है आप अपना जब बनाती है होममेड उसमें इमली डालते हैं कितनी डालती हैं आप लोग हम लोग जैसे कि आधा किलो में डालेंगे तो मतलब 3 टेबल स्पून डाल देते हैं अच्छा और 2 टेबल स्पून और विनेगर डालती हैं फिर उसके साथ जी वो भी डालते हैं अच्छा मींस कि अगर मैंने 1 कप विनेगर लिया है तो आपने 3 टेबल स्पून एक्स्ट्रा उसमें इमली का पल्प डाल देना होता है जी हाँ चलें ठीक है ये अच्छी आपने बताई है बात अगर कोई करना चाहते हैं तो करें मैं भी ट्राई करूंगा मजे का होगा जितना आपके लिए आता है ना इसमें तो ज्यादा पड़ेगा हाफ या हाफ तो मतलब ये हाफ कप पड़ेगा इमली का पल्प हाफ कप होना चाहिए थोड़ा बनाते हैं तो उसमें 3 टेबल स्पून डालते हैं आप कितना बनाती हैं अंदाजन हम लोग ½ kg हाफ के जी बनाती है तो 3 टेबल स्पून ठीक है जिस तरह मैंने 2 kg के करीब बनाया था तो इसमें 6-8 टेबल स्पून होना चाहिए कम से कम ना जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है थैंक यू बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने ये कि अभी जैसे आप ये बना रहे थे इसमें आपने पुदीने को मतलब पत्ते जिसे हम लोग सुखा लेते हैं पहले धो के और फिर वो डाल सकते हैं क्या इसमें नहीं पहले आप इसको हाँ वो भी डाल सकते हैं घर का मैं कह रहा हूँ अगर होममेड आपका ड्राई हुआ हुआ है ना तो बिल्कुल डाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास ड्राई था नहीं तो मैंने ड्राई करके यहाँ पे डाला है अच्छा थैंक यू ठीक है थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा ब्रेक ते वनू पिया हे रोज थी वो बिल्कुल तैयार है इनके मैं थदो कंदम ब्रेक खां पहुंची इनके पीसंदासी उनका पोठाइंदासी दही बड़ो मसालो ठीक है ये रोस्ट हो गया है इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया ठंडा हो रहा है इसके बाद दही बड़ा मसाला बनाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं Sun TV Network Mobile App. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. दिल चाहे और क्या शारजा शारजा बनस्पति घी शारजा कुकिंग ऑयल विटामिन ए एंड डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 मौजूद है बनस्पति घी तमाम बेहतरीन जैमें हाँ ठाईंदी फ्रोजन पराठा पैरी इतने जो हे ठाया है चाट मसाले जो मसालो इनके मैं टिश्यू पेपर के मथा कटी छोड़ो बिल्कुल थदो थी वो ठीक है ये सारा ग्राइंडर में डाल दें पहले इसे ठंडा करें मैंने निकाल लिया था इसको 2 हिस्सों में करके ग्राइंड करते हैं ठीक है इसको ग्राइंड करते हैं और ये फिर बोतल में भर के आपने रख देना है अच्छी तरह बारीक पीसना है रेसिपी मैं दोबारा रिपीट कराता हूँ देखा है पिसी वो अहीं जे मैं एकड़ो बॉल कटा तो जे में असा यो मसालो सजो कटी मिक्स कंदा सी एकड़ो बॉल 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 इतना खड़ी तरफ
बल्कि ये ताकि आप लोग को वाजा नज़र आए। ठीक है, बड़ा बॉल ले लिया, ये जो मसाला है इसमें पीस के डालता जा रहा हूँ ये चाट मसाला। कॉलवर तुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबू, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अदी कह रहे हैं कि थंग लायो प्या आदा सा वाइफ को चाय मसाला राडो भलो थे जी। अदी कहती है सा वाइफ को नहीं पचा राडो भलो थे। हेलो, मेहरबानी ताजी फरमाइश हुई वजह कब पूरी कही? हां वो आपको ये मसाला राडो भलो थे। मेहरबानी तमाम खड़ी कभी फरमाइश है रमजान जी हिसाब से तो बताए चलो। अच्छा सब बात जी। अदी फरी बुधाई जो अलग छापे चैन। अच्छा ठीक है, दो हिस्सों में करके इसको ग्राइंड कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े हिस्सों में रोस्ट किया पे इन्हें के बाद एक प्याले में कढ़ी इनके अंदर मसालो जो बो आए वो सब मिलाए पो ए पोन के प्याले में भरी रख छा सको। ठीक है, ये दोनों मसाले दो हिस्सों में था पूरा मैंने इसमें निकाल लिया। ठीक है, इसको निकालने के बाद अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हाँ, इनमें छा विझासी, इनमें विझासी सादो लूण जो असं नॉर्मल खाइंदा एक चाय के चमचे का थोड़ा घट। ठीक है, कारो लूण एक खाने जो चमचो 1 टेबल स्पून, काला नमक 1 चाय के चम्मच से कम आपने डालना है, सादा सॉल्ट जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या डालेंगे, मैंगो पाउडर 2 खाने के चम्मच, आमचूर अंब जो जो पाउडर होंगे खटाई पाउडर अंबचूर चाहबो वो 2 खाने जा चमचा, टाटरी 1.5 चाय जो चमचो, ये 1 चाय जो चमचो, ये 1/2 चाय जो चमचो, 1.5 चाय का चम्मच टाटरी पाउडर। ठीक है, लेमन सॉल्ट, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। बहुत मज़ेदार ये हमारा हो गया चाट मसाला तैयार। इसकी रेसिपी रिपीट कराते साथ साथ दही बड़े मसाले पे आते हैं जिसके लिए हमें चाहिए इसमें 30 से 35 अदद साबित लाल मिर्च। कॉल बट होता है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हां दा खुश है? बिल्कुल ठीक ठाक। ता बताओ क्या हाल है? हां मां ठीक है। ता सुना तो मां वही भाषा करा के जी जी जी। अदी सुना तो मां जी दा अदा जो चाट मसालो ठायो जी। चाट मसालो हाने ठायो, हाने दही बड़ो मसालो ठाया पियो। अच्छा, दही बड़ा मसालो जी बई ठाया पियो। चाट मसालो मु ठाई छडियो है यार, हे मिक्स किया पियो दही जी। दही मां रिपीट कराए तो छना अगर ता दिसो पिया टीवी, बाकी दही बड़ो मसालो हाने स्टार्ट किया पियो। ठीक है, चाट मसाला हमारा जबरदस्त तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने दही बड़ा मसाला स्टार्ट किया, इसके लिए हमें चाहिए 30 अदद साबित लाल मिर्च। यहाँ पे हम डालेंगे 4 टेबल स्पून साबित धनिया। चाट मसाले में हमने 3 टेबल स्पून डाला था, यहाँ मैं डालूंगा 4 टेबल स्पून साबित धनिया, 4 टेबल स्पून सफेद जीरा, 4 खाने जो चमचो साबित धाणा, 4 खाने जो चमचो अछो जीरो, 30 का 5 टी लौंगी मिर्च हलिया वा। ठीक है, इतने आन कारा मिर्च 1 चाय जो चमचो, इनमें आन 8 अदद लौंग। ठीक है, 8 अदद लौंग आन 1 चाय जो चमचो साबित कारा मिर्च। ठीक है, इन सा गु इनमें छा विझंदम सरें जो ऑयल थोड़ो सो इनके रोस्ट करण का पो 1 टेबल स्पून सरें जो तेल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल अब साथ डाल दिया। पहले हल्का सा मैंने रोस्ट किया साबित काली मिर्च को, इसमें मैंने क्या डाला 35 अदद साबित काली मिर्च साबित लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 4 खाने के चम्मच साबित धनिया, 4 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, और लौंग इसमें 6 अदद डाल दिए और 1 खाने का चम्मच सरसों का ऑयल है इसमें, इसको रोस्ट करेंगे। दही बड़े का मसाले का कलर और उसकी खुशबू डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें हम डालते हैं सरसों का ऑयल। सरें जो ऑयल 1 खाने जो चमचो, लौंगी मिर्च पहले रोस्ट करे छो थोड़ो कलर अच्छे उनका पो सरें जो ऑयल विझ जो 1 खाने जो चमचो, 5 टी अदद लौंगी मिर्च, कारा मिर्च साबित 1 चाय जो चमचो तकरीबन 20 का 25 दाणा थी वा। ठीक है, लौंग 6 अदद आई अच्छो जीरो इनमें विधवा 4 खाने जा चमचा आई उनसा गट साबित धाणा 4 खाने जा चमचा, इनके 4-5 मिनट ताई रोस्ट कंदासी ताकि जो सरें जो ऑयल है उन खुशबू से ही रोस्ट थिए तमाम सुठो इनके अंदर फ्लेवर इंदो। पो इनके पीसंदासी इनमें छा वेंदो बाकी कारो लूण वेंदो आई इनमें टाटरी वेंदी आई लूण वेंदो बस इकाई शे ना वेंदी। ठीक है, जी चाट मसाले में काफ़ी सारी शयूं वेंदियूं आहिनि, चाट मसाले की रेसिपी भी तव्हांखे पूरी रिपीट करायां थो। अच्छी तरह इसको रोस्ट करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, डार्क टोन में आ जाए और जैसे
अरोमा इसका बहुत अच्छा बन जाए जो चाट मसाले का होता है। चाट मसाला आपने देखा होगा थोड़ा डार्क कलर में होता है, ब्राउन ब्राउन से शेड में होता है, इस वजह से कि सरसों के ऑयल में इसको रोस्ट किया जाता है। चंगी तरह ये ठाई बोतलों भरे रखी छ जो पूरा महीनों तक जो हली वेंदो। ठीक है कॉल वेट होता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, देख रही थी आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, बहुत 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 शुक्रिया। और मैंने आज माडा पट्टी बनाई है फैसल। अच्छा चलिए अच्छी बात है। पहली दफा बनाई है मैंने, डाली है पिक्चर आपको। हाथ तो नहीं चला उसमें स्टीम से? नहीं नहीं, एक एक रोटी मेरी कड़क हो गई थी वो मैंने निकाल दी, बाकी सही बनी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जब आप मेहनत कर सकते हैं ना। बस आप बिल्कुल, आप ही को फॉलो किया है मैंने। चलें बहुत अच्छी बात है। कैसी बनी है? मैंने डाली पिक्चर, आप बताना कैसी बनी। चलें ठीक है, वैसे तो अच्छी बनी है, अब मैं रोल वगैरह बना के रखूंगी। हाँ रोल बना के रखिएगा, फिर जब रोल फ्राई करेंगे फिर पता चलेगा कैसी बनी है। वो तो मैं रमजानों में भेजूंगी ना। एक दो बना के देखिएगा जरूर पहले। अच्छा चले ठीक है, मैं भेज दूंगी। चले ठीक है, थैंक यू। और पूरी टीम को सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम असलम, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इसको अब ठंडा होने देना है, ठीक है। इनके थदो थे डिंदासी छा करता है, जो ऑयल जो आई मैं टिश्यू जो मथा इन करे विधो है, ताकि जो ऑयल जो है ड्राई थी वने, जस्ट इनमें फ्लेवर देने लाए, सिर्फ असा इनमें ऑयल विधो है सरें जो फ्लेवर अचीव हुआ, बाकी टिश्यू जो मथा फैलाएं जो मकसद यो है कि जो ऑयल जो है वो निकली वने ही आलो ना हो जाए मसालो ड्राई थी वने, ठीक है। टिश्यू के ऊपर फैलाने का मकसद ये कि इसका जो इसके अंदर ऑयलिंग है वो निकल जाए। हमने ऑयल इसलिए डाला था कि इसके अंदर अरोमा आ जाए, खुशबू आ जाए सरसों के ऑयल की, और उसमें ये रोस्ट भी हो जाए। अब इसको ठंडा होने देते हैं। चाट मसाला हमारा हो गया तैयार, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो हम बाद में डालेंगे। चाट मसाले जी रेसिपी रिपीट कराएं पियो छकण तक हाणे शायद तव्हां टीवी खोली जी अदी जी भी कॉल आई हुई। तो चाट मसाले लाइ असांखे छा छा खपे? लौंगी मिर्च खणंदासीं 25 अदद, 25 खां टी खणिजो, 3 खणी जा चमचा, ही सभु फ्राइंग पैन में विझिजो, ठीकु आहे। 3 खणी जा चमचा अछो जीरो, 3 खाइण जा चमचा साबित धाणा, 1 चाय जो चमचो कारा मिर्च साबित, ठीक है। लौंगी मिर्च 5 टी अदद खण जो, टीह काफ़ी हूँ बस 5 टी ना कजो इलाही स्पाइसी थी। 3 खाइण जा चमचा अछो जीरो, 3 खाइण जा चमचा साबित धाणा, 1 चाय जो चमचो तहन में विझंदो, 1 चाय जो चमचो साबित कारा मिर्च, ठीक है। उनसा गड इनमें सौंफ विझंदो 1 खाइण जो चमचो, ठीक है। उनसा गड इनमें डाड़ू जा बिज जो अनारदानो हों विझंदो 2 खाइण जा चमचा, ठीक है। इन सभी शयन के रोस्ट कौ पुदीने जा पत्ता छा कौ कि पे 10-12 या 15 धाणा तए के मथा रोस्ट कर छो खुश्क वे, अगर खुश्क पुदीनो है तो वो विझी छो 1 खाने चमचे तो वो भी मिले छो। अजवाइन 1 चाय जो चमचो विझण है, इन सभी के रोस्ट कर थदो करो, इन पीसे छो, ठीक है, ग्राइंडर में पीसे छो। उनमें मिला इनमें मिला लूण 1 चाय के चमचे का घट, कारो लूण 1 टेबल स्पून भरे विधो है, टाटरी पाउडर जो हों वो तुम विझो 1.5 चाय जो चमचो, ये सब शयों के अंदर मिक्स कौ। मिक्स करण का इनके भरे हिकड़े दबे में रखी छो थदो करे, हे ताजो चाट मसालो थी वो तैयार। मुझे हमें 15 दिन आराम से हलन, अगर वही फैमिली है माशाला का तो न हलन तो वही ठाई वो, ठीक है। ये हमारा हो गया चाट मसाला तैयार, बॉक्स में डाल दिया, फिर इसको बाद में कवर करके आपने रख देना, नाम लिख लीजिएगा ऊपर से ताकि दोनों चीज़ें मिक्स ना हो। ये हमारा दही बड़ा मसाला हो रहा है ठंडा, इसको भी पीसते हैं। और दही बड़े मसाले की भी रेसिपी रिपीट कराता हूँ, ठीक है। चाट मसाले की रेसिपी लास्ट एक दफ़ा और रिपीट करा देता हूँ, फिर हम आ जाएंगे पराठों पे। अच्छा ब्रेक का टाइम हो रहा है, जब तक ये ठंडा हो रहा है फिर ब्रेक के बाद आके इसको पीस लेंगे, और उसके दौरान फिर हमने बनाने हैं फ्रोज़न पराठे। फ्रोज़न पराठे कैसे बनते हैं ब्रेक के बाद बताते हैं। दिल चाहे और क्या, शारजा शारजा बनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए एंड डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है बनस्पति घी जे में हाने टाइम पिया। फ्रोजन पराठा हिते दही बड़न जो मसालो तैयार थी गयो। दही बड़ों का मसाला मैंने आपको कहा था डार्क होता है, ये देखे मैंने निकाल लिया क्योंकि ब्रेक के दौरान मैंने पीस लिया था, काम ज़्यादा है टाइम कम है इसलिए मैंने पहले पीस के रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या मिलाएंगे, 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे काला नमक, 1 खाने जो चमचो कारो लूण, ठीक है।
और अधि चाय के चमचे का थोड़ा मथे इनमें नॉर्मल जो लूण अस यूज कहो आधा चाय के चम्मच से ऊपर नॉर्मल जो सॉल्ट यूज करते हैं वो टार्टरी पाउडर लेमन सॉल्ट ये डालेंगे इसमें डेढ़ चाय का चम्मच ठीक है और इसको कर देंगे मिक्स ये हो गया हमारा दही बड़ा मसाला ठीक है अली भाई कल का रिपीट टाइम बताएं जी 12 बजे 12 से 1 कल रिपीट चलेगा ठीक है सुबह 12 बजे रिपीट हलंदो आई कुकिंग विद शेफ समझो पेज आए फेसबुक ते होते ही रेसिपी अपलोड थींदी ठीक है ये असो थी वो दही बड़ो मसालो इनका पो हणे अचूं था फ्रोजन पराठन ला असांखे अटो केतिरो खपे मां तकरीबन 6 मानी जो अटो घुरायो है ठीक है 6 रोटियों का आटा गूंद लिया है यहाँ पे ठीक है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आप जितना ज़्यादा बनाना चाहें आप बना सकती हैं ये हो गया हमारा दही बड़ा मसाला अब इसमें आप दोनों में चेंज देखें उसका कलर दही बड़े मसाले का और चाट मसाले का कलर दही बड़े मसाले का कलर डार्क होता है चाट मसाले का लाइट होता है तो वही सेम कलर आया जो मार्केट में हम लेते हैं ठीक है हाँ कहते हाँ असासी फ्रोजन पराठा फ्रोजन पराठन ला मानी जो पेड़ा ठाई वो केतरा इतने 6 हैं ठीक है 6 तक पेड़े ले लिए थोड़ा सा नीचे घी या ऑयल लगा लें काउंटर पे उसके बाद इसको ड्राई पाउडर के साथ मींस के ड्राई आटे के साथ आपने ऐसे जैसे रोटियां बना लेते हैं ठीक है इस तरह बना के इसको साइड में रखते जाएं फिर ड्राई मैदा लगाएं और जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं अच्छा इसका गूंदने का तरीका बता दूं ये 1/2 kg आपने आटा लेना है ठीक है 1/2 kg आटा लेके इसमें 8 खाने के चम्मच आपने डालना है वनस्पति घी शारजा वनस्पति घी डाला था और उसके साथ 1/2 teaspoon से ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया था और इसको अच्छी तरह मिक्स करें घी के साथ भुरभुरापन आएगा जी बैठा दो भुरभुरापन आएगा फिर उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसका सख्त आटा गूंद लेना है उसको भी 15 मिनट कवर करके रखना उसके बाद पेड़े बना के और इस तरह आपने इसकी रोटियां बना लेनी है जी कॉल बैठा था अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो दादा साहब बांध प्रोग्राम डाडो से बोल रहे हैं मेहरबानी केड़े से ठीक है गला पे आदी जी धन्यवाद सर जी आदी को फरमाए गोला कबाब अदा गो ऐसे फरमा सर गोला कबाब खान से खा हेलो ठीक है मैं नोट करे तो उठा इंशाल्लाह रमजान में ठाइंदा से ठीक है आदी जी रमजान टाइमिंग चेंज थी तो वो तंग बधाई छत भी ओके जी अल्लाह हाफिज़ जी ठीक है यहां पे मैंने पेड़े ले लिए हैं अब इसको हमने क्या करना है बेलना है जैसे नॉर्मल रोटी को बेलते हैं ठीक है पतले बना रहा हूँ पराठे जैसे नॉर्मल आप अपने हिसाब से बना लें मैं छोटे करके बना रहा हूँ फ्रोजन पराठे ठीक है पराठा वेले छड़ जो 1/2 kg अट्टो उनमें 8 खाने का चमचा वनस्पति घी विधो शारजा वनस्पति घी उनसे अगर 1/2 चाय के चमचे का मथे थोड़ा लूण विधो आई उनके पो चंगी तरह मिक्स कजो भुरभुरो थी विंदो घी से गड अट्टो मिक्स करने का पो थोड़ा थोड़ा पानी विझी उनजे ता अट्टो गोई वट जो सख्त अट्टो गोए जो कवर करे 15 मिनट रख जो उनका पो पेड़ा ठाई वट जो खुशको लगाई आई तरीके सा ता इनके मानियू ठाई वट जो जितियों तक ठाणियों 50 भी ठाई सो 40 भी भी जितियों सुठी लगन ठीक है बस तरीको मैं बुधा पो बे तरीका इनके फ्रीज करण जो एक हूँ एक कच्चा पराठा फ्रीज करण जो एक हूँ हल्को सो सेक के फ्रीज कब ठीक है दो तरीके होते हैं हाँ ठीक है अच्छा इसके दो तरीके एक तो हम दो ऑप्शन हैं ईजी वे में तवा गर्म करें एक क्या है कि आप रोटी को सेक के रखें हल्का सा दूसरा ये कि आप ऐसी कच्ची रख दें दोनों तरीके बता रहा हूँ ठीक है थी भैया मानियो ठीक है तवा गरम करके इसको जस्ट सेकना है हमने ज़्यादा वो नहीं करना जब तक सेकने वाली रोटियाँ बना रहा हूँ तब तक क्या करते हैं इसको फ्रोजन शॉपर्स लें ये थैली वाले के शॉप पे मिल जाती हैं इस तरह के इसके पीसेस बना लें शीट्स बना लें ठीक है ये थैली होंदी हैं ये ट्रांसपेरेंट मिली वेंदी हैं इनके पान कटिंग कयो इनके मथा हल्को सो घी लगाइंदो हल्को सो घी लगाइण का पो हे पराठो रखंदो ठीक है पराठो रखण का पो पराठे के मथा वरी घी लगाइंदो हल्को सो इनका छा थींदो पराठो पान में चिंबड़ंदो कोने एक थैली में चिंबड़ंदो ना ठीक है ये करने के बाद आपने क्या करना है फिर एक शीट रखनी है ठीक है ये आप 15 से 20 दिन महीने तक ये पराठे
आपने यूज़ करने हैं, खराब नहीं होते, बस निकालें फ़ौरन, तवे पे डालें, इसको डीफ्रोस्ट नहीं करना है, ठीक है। तए के मथा फ़ौरन विझी छो, इनके टाइम ना दियण के तुम इनके नरम कयो, हिते हे मानी थोड़ी सेकणी है, बिन्हीं पासन का कलर ना अचे, बल कच्ची पकी जी होंगी है, ठीक है। इस तरह करके फिर रोटी रखें, एक तरफ बस ऑयल लगा रहा हूँ, बस दोनों तरफ नहीं लगाएं, ठीक है। घी लगा दें हल्का सा हाथ से, और ये हमारा एक सेट हो गया तैयार, ठीक है जी। आप 10 रोटियां भी इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। एक तरफ से आ गया इस तरह कच्ची पक्की, बिल्कुल। एक तरीको यो बुधाया हुआ तक, बो तरीको ये बुधाया पो, थदो कर इनके विझी जो शॉपर में चिंबड़ी ना पाए, ठीक है। बस इन एतरी कच्ची हुजन खपे, इनका मथे ना पचाणी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, इतनी होनी चाहिए जितनी मैंने ये बनाई है, ठीक है। इस तरह, हाँ बस इंशाल्लाह, ठीक है। ये हैं फ्रोज़न पराठे, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने थोड़े छोटे बनाए, आप अपने हिसाब से जितने आपको चाहिए आप उतने बड़े करें। सिर्फ इसको वाइटनेस आनी चाहिए इस तरह की, ठीक है। ये थोड़ी सख्त हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, फिर जब इसको बनाएंगे तो ये पराठे बन जाएंगे। बनाने का तरीका क्या है, जब आप निकालें हल्का सा घी लगाएं पैन पे, और उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर ये डाल के फिर इसको जैसे फ्रोज़न पराठे हम सेकते हैं उस तरह दोनों साइड से सेकेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। एक है तरीको थी वो कच्चे पराठन जो, एक है थी वो, ठीक है। इनके मथा हल्को सो घी लगाइंदो, वरी इन के मथा हल्को सो बिल्कुल मामूली घी लगाइंदो, शीट रखो। ये जो शीट्स हैं, ये शीट्स ज़ाया ना कजो, जडे ही पराठो यूज़ कंदो इन शीट्स के वापस यूज़ कजो, ठीक है। जब ये पराठा आप यूज़ कर लें, निकाल लें, फिर ये शीट्स ज़ाया ना करें। इसमें दोबारा आप रोटियां टिश्यू से साफ़ करके दोबारा इसमें आप रोटियां डाल के रखते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए फ्रोज़न पराठे, मैंने तकरीबन 6 से 7 पराठों का आपको बताया। आप जितने ज़्यादा बनाएंगी इसी तरह बनेंगे। इसका तरीक़ेकार ये है कि बस आप निकालें और इसको आप फ़ौरन तवे पर डाल दें 2 मिनट के बाद। डीफ्रोस्ट नहीं करना है कि आप सोचें कि नरम हो जाए तो उसके बाद मैं इसे फ्राई करूं, ऐसा कुछ नहीं करना है, वो बिल्कुल अजीब सी हो जाएंगी। इसके बाद इस तरह की शॉपर्स होती हैं, ये लें, ठीक है, शॉपर खोलें इस तरह, इसके अंदर इसको फोल्ड करके और ये इसके अंदर रखनी है, ठीक है। ठंडी करके, मैं गर्म रख रहा हूँ जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोगों ने ठंडी करके ये रोटियाँ इस तरह फ्रोज़न रखनी है, ठीक है। इन तरीके से तुम शॉपर में रख दो, ये गर्म है तो इन करे थोड़ा मसलो करे पे, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, गर्म है तो आपने दूसरा इसको भी आपने इसी तरह फोल्ड करके, एक तरीका ये इस तरह फोल्ड करके आप फ्रोज़न ये रोटियाँ हमारे हो गए फ्रोज़न पराठे, ठीक है। बहुत इजी है फ्रोज़न पराठे रमज़ान के लिए, इस तरह आप बनाएं और इनको बिल्कुल क्लियर करके आपने इस तरह रखना है फ्रीज़र में, कोई परेशानी बात नहीं, इजी होते हैं। वरना हम मार्केट से इतने कंपनियों के महंगे पराठे लेते हैं और वो इतने पतले होते हैं कि खाने में मज़ा नहीं आता। अपने ख़ुद बनाएं घर में और शहरी में, बस निकाल के आप इसको फ्रीज करते जाएँ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप बना लें। अब आते हैं हम ड्रिंक पे, ठीक है। आसानी सब मां तक बुधाई छा फ्रोज़न पराठा कि ठादा, बिल्कुल आसानी, जितना ठाई 100 भी ठाई रखी सको था, कोई मसलो ना, बस तुम फ्रीज़र हलन खापे, लाइट जो इशू है तो ना कजो, वो खराब थी वा पाया नवा। हाँ ठाईदे इतने टैंग है, टैंग में पाइनएप्पल जी ड्रिंक ठाऊँ था। एक जग पानी थदो, ठीक है, एक जग लेंगे ठंडा पानी और इसमें हमने डालना है पाइनएप्पल कितना, 11 टेबल स्पून। एक जग जो रमज़ान में तुम ठाई तो 11 टेबल स्पून तमें विझो पाइनएप्पल जी ड्रिंक, ठीक है। 11 टेबल स्पून आपने पाइनएप्पल डालना चाहिए, भले ना भले 11 टेबल स्पून आपने पाइनएप्पल डालना है 1 जग में, एक जग में 11 खाने का चमचा, ठीक है। अगर गिलास में ठाई दो तो एक गिलास के हिसाब से 2 चमचा विझो, ठीक है। थदो पानी थदे बर्फ़ से गड मज़ेदार है ड्रिंक रमज़ान के लिए भी, बल्कि हाँ
डेली गर्मी में तुम यूज कर सको तो चंगी तरह इनके डिसॉल्व कजो तो ही सुठी ताजी ड्रिंक तैयार थी वेंदी। ठीक है, पाइनएप्पल ज़बरदस्त ड्रिंक है, बहुत अच्छे इसकी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे इन्होंने फ्लेवर्स निकाले। मौसम्बी का मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों ने ज़रूर सारे फ्लेवर ट्राई करने। और मिंट पेपर और लेमन का जो आया वो जो कल बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त था, मैंने पी के भी देखा, उसमें ब्लैक पेपर आ रही होती हैं बिल्कुल बारीक। ये हमारे हो गए पाइनएप्पल ड्रिंक टैंक की। ठीक है, फ्रोज़न पराठे। ठीक है, अजो की रेसिपी फ्रोजन पराठा आई पाइनएप्पल ड्रिंक टैंक जी। कल 12 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है फेसबुक पे, हमारी रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पे, आपको ये वाली वीडियो भी रात तक मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल भी रेसिपी देखे पापड़ी बनाएंगे, उसके साथ एक दो और चीज़ें बनाएंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। सुबह 12 लगे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ फैसल जो पेज है उते रेसिपी अपलोड थी वेंदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो कुकिंग विद फैसल यूट्यूब ते, मुंहिंजी सॼी वीडियोज़ मिली वेंदियूं। इंशाल्लाह सुभाणे पापड़ी ठाहींदासीं, हिकु ॿ चटणियूं ठाहींदासीं, कभी नई शइ ठाहींदासीं रमज़ान जे हिसाब सां। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दुआनि में हथु जो लाफ़िस। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।